प्रसाद पुजारी, गैंगस्टर प्रसाद पुजारी, क्राइम की दुनिया का क्राइम मास्टर गोगो, क्यों मुंबई पुलिस इसके अरेस्ट करने पर अपनी पीठ थपथपा रही है, कैसे मुंबई पुलिस इस कुख्यात दुर्दांत अपराधी को चीन जाकर वहां से टांग लाई, और ये अब तक कौन कौन से बड़े जुर्म में शामिल रहा है। अंडरवर्ल्ड के इस कुख्यात बदमाश की आज क्राइम डायरी खोलेंगे और आपको इसके गुनाहे अजीम की पूरी दास्तान बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं एनबीटी ऑनलाइन। मुंबई क्राइम ब्रांच को लगभग दो दशकों के बाद एक बड़ी सफलता तब मिली है जब गैंगस्टर प्रसाद पुजारी उसके चंगुल में फंस गया। सालों से चीन में छिपे बैठे इस बदमाश को ट्रेस करने के लिए मुंबई पुलिस ने सालों तक कड़ी मेहनत की, जिसके बाद कई सरहदी अड़चनों और अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों से जुड़ी रिवायतों को निभाने के बाद आखिरकार इसे चीन से सफलतापूर्वक डिपोर्ट करने में कामयाबी हासिल हो ही गई। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की टर्मिनल 2 से इसे जब पुलिस की कड़ी घेराबंदी से बाहर लाया जा रहा था तो भी कई निगाहें इसी पर टिकी हुई थी। लंबी मजबूत काया और सफेद मास्क से अपने सियाह चेहरे को ढके हुए इस बदमाश को मुंबई लाकर पुलिस विभाग ने बड़ी राहत की सांस ली है। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी बहुत कम उम्र में ही क्राइम की दुनिया में पैदा हो गया था। यहां की गलियों में ब्लेडबाजी, छुरीबाजी करने का हुनर इसने अपने छुटभैया उस्तादों से ही सीखा था। इसके परिवार के लोग और यहां तक कि इसकी मां का नाम भी आपराधिक गतिविधियों में रहा है। ऐसे में इसने जुर्म की पाठशाला का ककहरा अपने घर से ही सीखा, लेकिन इसके सपने तो कुछ और ही थे। इसके ख्वाब चिंदी चोरी तक ही सीमित नहीं थे, ये तो क्राइम मास्टर बनने का ख्वाब देख रहा था, जिसे उसने हकीकत भी बना दिया। गैंगस्टर पुजारी के खिलाफ मुंबई में हत्या और अवैध वसूली के दर्जनों केस थे। अपराध को उसने अपना पेशा बना लिया था। इसने कुछ ही सालों में इतनी बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम दे डाला था कि मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ी सिरदर्दी बन गया था। इसका नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल कर लिया गया था। पुलिस से बचने के लिए इसने भारत से भाग जाने का हथकंडा अपनाया, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहा। पुलिस की पड़ताल में यह पता चला कि वो चीन में छिपा बैठा है और वहां की शेंजेन शहर में एक चीनी लड़की से शादी भी रचा रखी है। प्रसाद पुजारी ट्रेवल वीजा पर चीन गया था, जो मई 2008 में ही एक्सपायर हो गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मार्च 2008 में प्रसाद पुजारी को चीन में अस्थायी निवास की अनुमति मिल गई थी, लेकिन हद तो यह थी कि यह बदमाश चीन से ही भारत में कई अपराधों को अपने गुर्गों के जरिए अंजाम दिलवा रहा था। प्रसाद पुजारी ने कुछ साल पहले शिवसेना के एक नेता चंद्रकांत जाधव पर जानलेवा हमला करवाया था। 19 दिसंबर 2019 को उस हमले में चंद्रकांत की जान किसी तरह से बच गई थी। उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया था। साल 2020 में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने गैंगस्टर प्रसाद पुजारी की मां इंदिरा विट्ठल पुजारी को जबरन वसूली के केस में अरेस्ट किया था। पुलिस के मुताबिक तब 62 साल की इंदिरा और दो अन्य पर मुंबई के एक बिल्डर से 10 लाख की रंगदारी वसूलने का आरोप लगाया गया था। गिरफ्तार किए गए गुर्गों की पहचान सुकेश कुमार और सुनील अंगारे के तौर पर हुई थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।